भाई जीरो से लेकर 14 करोड़ प्लस टर्नओवर किया आपने, इसमें आपका कौन कौन से पेमेंट टर्म्स पे आपने काम किया? मैक्सिमम पेमेंट सर हमने 100% एडवांस में ही काम किया है। 38 कंटेनर्स पे भेजे सर अभी तक। फैबुलस, वेरी वेरी पावरफुल मॉडल। सर मेरे फादर तो बहुत, फादर और मदर बहुत खुश हुए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा लड़का डॉलर में अर्निंग करेगा। एंड दैट्स अ वेरी प्राउड फील मोमेंट। और ओनली एन एक्सपोर्ट कैन चेंज योर लाइफ। दैट इज अवर, मतलब हमने हमारा मंत्र बना लिया कि ओनली एन एक्सपोर्ट कैन चेंज अवर लाइफ। दैट्स इट। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू। वन मोर पॉडकास्ट, वन मोर एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग पॉडकास्ट। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, ऐसे एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपने आप में हमारी कम्युनिटी में प्रेरणा क्रिएट की है सबके लिए। हमारे साथ हैं मोंटू। मैं इनसे आपके लिए, सबके लिए इनका परिचय लूंगा। एक्सपोर्ट में आने के पहले क्या करते थे, एक्सपोर्ट में आए हम तक कैसे पहुंचे, अभी तक की इनकी जर्नी क्या रही, विशेष तौर पर आप सब लोगों के लिए इनके पास क्या मैसेज है। सबसे पहले मोंटू, वेलकम, थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग इन दिस पॉडकास्ट। आपका स्वागत है मोंटू। गुड इवनिंग सर, एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू दैट यू आपने इतना हेल्प किया ये प्रोग्राम के लिए और एक्सपोर्ट के लिए इतना हेल्प किया हमको। तो थैंक्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू एंड गॉड, योर टीम। थैंक यू मोंटू। आपका परिचय बताएं सो दैट लोग आपके बारे में जान पाएं। माई सेल्फ मोंटू पाल फ्रॉम यूनिवर्सल एक्सपोर्ट्स। एंड इन दिस कंपनी वी आर फोर पार्टनर्स एंड करंटली वी आर कन्वर्टेड इन टू आवर कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थैंक वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अप टू द माउंटेन, मतलब शिखर वाह, शिखर बस करेंगे इसको। सुपर सुपर। सो मोंटू बताइए, आप एक्सपोर्ट में आए इसके पहले क्या करते थे आप, और जितना हो सकेगा हम हिंदी में रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस समझ पाए। ओके सर, एक्सपोर्ट के पहले मैं कैश्यू का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था मेरा। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग होलसेलर टू एंड रिटेलर्स। सो ये मेन बिजनेस मेरा कैश्यू का मैन्युफैक्चरिंग का ही था अप टू द बिफोर एक्सपोर्ट। ओके मोंटू, क्या चीज प्रेरित करके आपको एक्सपोर्ट में लाई, क्या मोटिवेशन था एक्सपोर्ट करने के लिए? मोटिवेशन में सर एक्चुअल में हम लोग जो कैशू प्रोसेसिंग कर रहे थे उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट इंपोर्ट करते थे, मतलब इंपोर्टर के पास लेते थे। तो तभी कुछ आइडिया आया कि इतना सारा वेस्ट अफ्रीका से रॉ कैशू इंपोर्ट हो रहा है, तो वो लोग टन्स मतलब टनेज पे वो लोग रॉ कैशू इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे इंपोर्टर्स लोग। तो और दूसरा कि कैशू का एक्सपोर्ट भी हमने, जब हमारा बिजनेस में हम थे तो हम ज्यादातर फैक्ट्रीज जब विजिट करते थे तो उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता था। एंड जब से जान के हैरानी हुई कि आफ्टर वियतनाम इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कैशू एक्सपोर्टर टू वर्ल्ड वाइड। सो हमको तब तब से थोड़ा इंटरेस्ट जागा था कि ये एक्सपोर्ट का कुछ करना है। एंड जब मेरे फादर डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में थे तो जिनके भी काम करते थे मेरे फादर, वो ज्यादातर दुबई और या फिर गल्फ कंट्रीज में ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे जितने भी हम मेरे फादर काम करते थे। तो तब से बचपन से ही ये चीज था कि वर्ल्ड वाइड कुछ काम करना है। तो ये चीज मुझे एक्सपोर्ट तक लेके आई। एंड इन 2019 आपका बीइंग एक्सपोर्टर के इंडो स्टेडियम में एक सेमिनार था, तब सेमिनार मैंने वो ज्वाइन किया और वाह, तब थोड़ा क्लियर हुआ कि एक्सपोर्ट क्यों करना चाहिए। और तब सर आपने एक चीज बोली थी और वो चीज मेरे मगज मतलब माइंड में छप गई। आई डोंट नो व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि मैं लोकल मार्केट से क्रेडिट क्रेडिट पॉलिसी से बहुत परेशान हो गया था। इसीलिए मैंने ये सोचा कि नहीं, इस चीज में अगर मार्जिन कम मिले चलेगा लेकिन 100% एडवांस में ही काम करना है। और आपने जो बोला था कि आई डोंट नो डेफिनेशन व्हाट इज क्रेडिट, दैट इज आवर कंपनीज, हमने मतलब क्या कंपनी के हर एक पेज पे लिख दिया है कि क्रेडिट क्या चीज है, वो हमको पहले मालूम भी नहीं थी और आगे जाके मालूम करना भी नहीं है। और इस चीज से हम एक्सपोर्ट में
आए और एक्सपोर्ट में एक मतलब क्या एक्सपोर्ट में इतना इंटरेस्ट बढ़ा कर नहीं, अभी कुछ करना है तो एक्सपोर्ट में ही करना है, डॉलर में अर्न करना है और डॉलर में अर्न करके कंपनी को भी आगे ले जाना है, इंडिया के ग्रोथ में हाथ मिलाना है और पर्सनल डेवलपमेंट भी इसमें साथ में होना, और सब कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सर। सुपर सुपर, बहुत सारी शुभकामनाएं मोंटू, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मोंटू ऐसा लग रहा है कि टाइटल ये रखना चाहिए, इंपोर्टर टर्न एज एन एक्सपोर्टर। हमने तो टाइटल ये दिया है, फ्रॉम 0 to 14 करोड़ कंपनी, फ्रॉम 0 to 14 करोड़ टर्नओवर। सर ग्रेट, एक्चुअली हम इम्पोर्टर नहीं थे, लेकिन हम इम्पोर्टर से जो हमारे मटेरियल पार्टनर्स है, लेते थे। जो हमारे दो पार्टनर है वो इम्पोर्टर थे हमारे लिए। आपका सेशन अटेंड करने के बाद के आपने सिर्फ ये बोला था कि आपके आसपास में जो लोग हैं उसको देखो, उसकी खूबी को पहचानो, वो क्या वर्क कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब ही तब आपका सेकंड सेशन अटेंड किया और तब जाके मैंने सोचा कि नहीं, ये दोनों मेरे लिए बेटर हो सकते हैं, तो क्यों ना इसको पार्टनरशिप ऑफर करके सीधा कंपनी में पार्टनरशिप दे दिया जाए। तो उनका जो नॉलेज है, वो नॉलेज और हमारा हाँ आपके साथ प्रोडक्ट का नॉलेज, या प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना, बायर कैसे फाइंड करना, उसको कैसे अप्रोच करना, वो दोनों चीज मिल गई और जाके ये एक्सपोर्ट कंपनी फॉर्म हुई और काम आगे चालू और एग्जीक्यूट वाओ हुआ। वाओ फैबुलस। वांट टू टेल अस समथिंग अबाउट, जैसे आपने कंसाइनमेंट भेजा, कोई चैलेंजेस पहली बार या कोई ऐसी दिक्कतें फेस हुई, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? यस सर, जब हमने एक आफ्टर कोविड हमने कंपनी तो फॉर्म कर दी थी बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड जब हमने स्टार्ट किया तो जुलाई जुलाई या अगस्त अगस्त का टाइम था, तब बायर ने एक चीज देखी, ये चीज हो सकती है। तो हम लोग पूरा नए थे वो फील्ड में, मेटल फर्नीचर का हमारा काम है, तो पूरा नए थे, कुछ भी आइडिया नहीं था। विद इन 1 मंथ हमने वो चीज डेवलप किया, बायर को वो सैंपल्स रेडी करवाया, सैंपल्स पहुंचाया, और एज पर योर सजेशन जो बायर सैंपल के लिए पे करेगा, उसका कुरियर के लिए पे करेगा, वो डेफिनेटली आपके पास कंटेनर लेगा। तो यही चीज फॉलो की कि भाई, पहले तो वो बहुत ये कर रहा था कि नहीं, मैं एडवांस कैसे करूँ, आपको आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूँ, आप अगर सैंपल नहीं भेजे तो। मैंने हमने सिर्फ उनको यही कन्विंस किया, जस्ट गिव 1 चांस। तब एयर कार्गो का कुछ $500 का शिपमेंट था, तो $500 उन्होंने हमने फर्स्ट टाइम रेमिटेंस ये किया, फिर हमने सक्सेसफुली शिप एयर कार्गो उनको सैंपल शिप किया, उन्होंने सैंपल देखा, व्यू किया। उसके बाद में उनका दूसरा एक मतलब चैलेंज आया कि नहीं, मैं FOB नहीं लूंगा, मैं CF भी नहीं लूंगा, मैं डोर डिलीवरी लूंगा। हमारा फर्स्ट फर्स्ट शिपमेंट डोर डिलीवरी का था, डोर डिलीवरी मतलब फ्रेट भी तुमको ही करना है, सब कुछ CH इधर तक, मेरे वेयर हाउस तक का डोर डिलीवरी चाहिए। वो हमारे लिए फर्स्ट बहुत टफेस्ट काम था, क्योंकि हम लोग ज्यादातर एक्स फैक्ट्री या FOB टर्म्स पे काम करने के लिए थोड़ा बहुत ये थे। लेकिन तब आपको भी शायद मालूम होगा कि आपको मैंने फोन किया था कि डोर डिलीवरी करना है, लेकिन आपके प्रॉपर गाइडलाइंस है वो डोर डिलीवरी हो गया। और वी आर स्ट्रेंज मतलब हम जब वहां कंटेनर उनके वेयर हाउस पे पहुंचा, तब जाके वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी डिड इट। मतलब डोर डिलीवरी शिपमेंट, US तक का डोर डिलीवरी शिपमेंट भी हो सकता है, और वो हमने किया। और उसके बाद में फैबुलस हमने बहुत सारे डोर डिलीवरी शिपमेंट किए US तक, वही सेम बायर को। माय डियर व्यूअर्स, आप ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं और चित्रों के माध्यम से आप मोंटू भाई के जितने शिपमेंट्स गए हैं, आप अलग अलग चित्र अभी तक आप देख चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं और आने वाले थोड़े मिनट्स में और देखेंगे, ताकि आप और प्रेरणामय जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उससे आप और एनकरेज हो। मोंटू भाई, क्विक राउंड की तरफ बढ़ते हैं। मोंटू भाई, 0 से लेकर 14 करोड़ प्लस टर्नओवर किया आपने, मैक्सिमम इसमें आपका कौन कौन से पेमेंट टर्म्स पे आपने काम किया? पेमेंट सर हमने 100% एडवांस में ही काम किया है। उसमें स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था 30% एडवांस एंड 70% बिफोर डिलीवरी, मतलब इधर मटेरियल रेडी हो जाता है, मटेरियल रेडी होने के साथ ही 70% बाकी का रिमेनिंग पेमेंट हम क्रेडिट करवा लेते हैं। और अभी हमारा टर्म्स है 50% एडवांस एंड 50% बिफोर डिलीवरी, राइट, सो और ऑलमोस्ट 100% एडवांस में आप काम करते हैं। एंड आगे भी यही टर्म्स पे काम करना है, मतलब यही टर्म्स पे
ये रहना है क्या? सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू मोंटू। मोंटू टेल अस समथिंग, जीरो से लेकर स्टार्ट किया, अभी तक टोटल कितने शिपमेंट्स गए हैं? 38 कंटेनर्स का भेजे सर अभी तक। फैबुलस, वेरी वेरी पावरफुल मोंटू। एंड स्टिल वी आर फेल्टिंग, वी ऑल पार्टनर्स आर फेल्टिंग, दिस इज वेरी लेस कंटेनर्स। तब हमने सोचा कि नहीं, इतने सारे कंटेनर्स जा रहे हैं, हजीरा से जा रहे हैं, मुंद्रा से जा रहे हैं, इतने सारे पोर्ट से जा रहे हैं, मतलब हम लोग जब रास्ते पे निकलते हैं तो इतने सारे कंटेनर्स जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि इसमें से एटलीस्ट महीने का 10 कंटेनर भी नहीं कर सकते, वो हमारे हमारे ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो वाह, हम खुद को डेवलप करते हैं कि नहीं इतना तो करना है। और तब आपका जब फोन आया कि सर मोंटू आर यू रेडी फॉर सेंड डेली कंटेनर, ईच डे वन कंटेनर, और उससे मुझे बहुत ज्यादा, मतलब बीइंग एक्सपोर्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुझे स्पेशली मुझे और मेरी पार्टनर्स का जब जो भी टीम को अपना फ्यूल मिलता है सर, मतलब नहीं सर बोल रहे तो ये पॉसिबल है, मतलब हम जब पहले स्टार्ट किए थे तब हमको ऐसा लग रहा था कि बायर रिस्पांस देगा कि नहीं, कि बायर को ले 100% एडवांस करेगा कि नहीं। जैसे ही हमने स्टार्ट किया और सक्सेसफुल जब शिपमेंट हुई कि नहीं दिस इज पॉसिबल, सब लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इतने सारे जायंट कंपनी कर रहे हैं, और एंड ओनली एन एक्सपोर्ट कैन चेंज योर लाइफ, दैट इज अवर, मतलब हमने हमारा मंत्र बना लिया कि ओनली एन एक्सपोर्ट कैन चेंज अवर लाइफ, दैट्स इट। वाओ, सो अमेजिंग ऑफ यू मोंटू। जब शिपमेंट्स आने लग गए, फैमिली ने आपका ग्रोथ देखा, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, वन कंटेनर, अनदर कंटेनर, रीचिंग टू 14 करोड़ कंपनी टर्नओवर, एंड नाउ एस्टैब्लिशिंग, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फैमिली का आपके प्रति का क्या फीलिंग रहा? सर मेरे फादर तो बहुत, फादर और मदर बहुत खुश हुए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा लड़का डॉलर में अर्निंग करेगा, एंड दैट्स अ वेरी प्राउड फील मोमेंट। और मेरे फादर मेरे जो जब उनके दोस्त लोग के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरे लड़के को मैं तो पढ़ नहीं सका, सॉरी सर। प्यारे बच्चे मोंटू, थैंक यू वेरी मच, गॉड इट। फादर ने बोला कि मैं तो पढ़ नहीं सका लेकिन मेरे लड़के को पढ़ा लिखा के वो आज एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, तो दैट इज द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। वाओ मोंटू, पेरेंट्स आल्सो मोंटू प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू मोंटू, सच एन अमेजिंग पर्सन यू आर, लव यू सो मच मोंटू, एंड वी आर प्रिविलेज एंड वी आर ब्लेस्ड मोंटू। हम हमेशा ये कहते हैं माय डियर व्यूअर्स, हमारे कम्युनिटी की गरिमा ये है, हमारे साथ ऐसे सुपर हीरोज जुड़े हैं जो सच में हर दिन मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। सो प्राउड ऑफ यू मोंटू। मोंटू जो व्यापारी गण देख रहे हैं अभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, रील्स पर, या किसी विज्ञापन में, या किसी भी माध्यम में, ये जो व्यापारी गण हैं या तो वो एक्सपोर्टर्स हैं या तो एक्सपोर्ट में आ रहे हैं, एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर है फिर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप मर्चेंट है फिर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन से अगर आप जो भी एक्शन प्लान कर रहे हैं वो एक्शन को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो वो पूरा एक्शन को फॉलो करके, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। मुझे भी यही चीज फॉलो करके, असाइनमेंट्स करके, जो आपका असाइनमेंट्स करते हैं डेली, जो आप रूल बुक बनाते हैं कि नहीं मुझे इतना इतना चीज करना है, एक्सपोर्ट की नीड इतनी चीज है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप बड़ी फैक्ट्री डाल दो या 5 करोड़ की कंपनी डाल दो, 10 करोड़ की कंपनी डाल दो तो ही सिर्फ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप विद द मिनिमम अमाउंट जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है उसके साथ आप स्टार्ट करके, बायर के साथ कॉन्टेक्ट करके एटलीस्ट छोटा शिपमेंट भी भेज के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और वो छोटा शिपमेंट ही आपको इन फ्यूचर वो बड़ा शिपमेंट बनेगा। सो अमेजिंग ऑफ यू मोंटू, सो अमेजिंग ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू। इसके लिए मैं आपको थैंक्सफुल ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि सर ये लाइन में मतलब लाने वाले आप हो। तो जब स्टार्टिंग में आपको मिला था और आपने, आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि सर आप कितना हेल्प करेंगे, मेरा एक्सपोर्ट आप करवाएंगे, तो आपने तुरंत मुंह मुंह के ऊपर ना बोल दिया कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, करना तो तुझे ही है।
करना तो तुझे ही है, दैट्स इट। मतलब तभी मतलब बहुत से सारे इंस्टीट्यूट में गया, बहुत से सारे ये चीज में गया था, लेकिन आपके साथ आपके ऑफिस में मैं मिलने आया था, सब आपने ये चीज बोली थी कि नहीं करना तुझे है, पाथ हम दिखाएंगे लेकिन करना तुझे है बस। और तभी जाके मुझे ये कि नहीं आप सही है, बाकी का थियोरेटिकल जो भी है वो नॉलेज देके वो लोग ऐसा बोलते हैं कि दूसरे कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो लोग ना हम करवा देंगे हम करवा देंगे, वो चीज नहीं होते, करना खुद को ही करना पड़ता है। अच्छा एग्जाम में भी लिखना हमको ही पड़ता है, टीचर्स हमको सिखाते हैं ये करना है ये करना है, लेकिन एग्जाम एग्जाम में टीचर्स नहीं लिखने आएंगे, वो हमारा पेपर हमको खुद को ही लिखना है। वाह मैं सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि असाइनमेंट्स प्रॉपर फॉलो करे, एक्शंस पे काम दे, और सर जो भी बोल रहे हैं उसको प्रॉपर ध्यान से और प्रॉपर तरीके से उनसे उन पे अगर आप काम करेंगे, 1 ईयर आप काम करके देखिए, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप नहीं निकला तो मतलब ये इंडस्ट्री मैं छोड़ दूंगा। प्यारे बच्चे, गॉट इट मोंटू, सच एन इनोसेंट ह्यूमन बीइंग यू आर, लॉट थैंक ऑफ यू सर, रिस्पेक्ट फॉर यू थैंक यू मोंटू. सर, यू नो इमेजिन, यू नो दैट डे व्हेन वी मेट, यू या नो आई वाज वेरी क्लियर टू हुम आई एम एड्रेसिंग, टू हुम आई एम स्पीकिंग, द सुपर हीरो यू आर. उस दिन आपकी बात थी, आज आपके थ्रू बहुत घरों के चूल्हे जलते हैं मोंटू. वी यस ऑल सर, आर प्राउड ऑफ यू बेटा. थैंक यू फॉर बीइंग हु यू आर. लव थैंक यू एंड थैंक रिस्पेक्ट फॉर यू बेटा. मोर पावर टू यू, मोर ब्लेसिंग्स टू यू. खूब आगे बढ़ो, मम्मा पापा का नाम रोशन करो, देश की ग्रोथ में जुड़ो. आपको सर, देख करके आपका बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे मोंटू. आपका सपोर्ट इसमें लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम चाहिए। ये हमारी कंपनी को, हमारा गोल है 400 करोड़ की कंपनी बनाए विद इन 5 वर्ष, तो इसमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। राइट, एंड ऑलवेज देयर फॉर यू मोंटू, ऑलवेज थैंक देयर यू सर, फॉर. थैंक यू थैंक यू। राइट माय डियर व्यूअर्स, दैट वाज मोंटू. समबडी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, क्रॉस 14 करोड़ टर्नओवर. आपने इनकी जर्नी सुनी, मैं बहुत क्लियर हूँ. आप प्रेरित हुए होंगे, और आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दें. अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो दो वजह है. वजह नंबर वन, आपको शायद नॉलेज नहीं है, और वजह नंबर टू, इम्प्लीमेंटेशन की कहीं कमी है. यदि नॉलेज नहीं है तो कहीं से भी सीख लीजिए, आपके घर के पास, आपके ऑफिस के पास, वर्चुअली हमारे साथ, जहां आपका मन करे. और आपके दिनचर्या में एक्सपोर्ट के लिए छोटी छोटी जगह बनाएं. क्यूमुलेटिवली जब आप एक्शन लेते हैं, ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स बाहर आते हैं. आप सब लोग यहाँ पर हमारे साथ बने रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया. मोंटू कमिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर बीइंग हु यू आर, वेरी ऑथेंटिक. थैंक यू एंड सर, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं मोंटू, आपका पॉडकास्ट देखकर न जाने कितनी जिंदगियां बदलेंगी. बेटा प्राउड ऑफ यू, ग्रेटिट्यूड टू यू मोंटू. थैंक यू. थैंक यू सो मच।